हेलो गाइस, व्हाट्सअप, नमस्कार और समस्त मिथिलावासी के गोर लगई छी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं अभी कर रही हूँ अपने बेटे शाश्वत के उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर, और जिसका कि कल फर्स्ट डे आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर की थी, उसका इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप जो लोग नए होंगे वो जाके कृपया देख लीजिएगा। तो ये सेकेंड डे का है जो कि मरवा, माइट मंगल और चरखा कटाई इस दिन हुआ था। तो मैं आप लोगों से क्या बोलूं, इसमें थोड़ा कुछ लोगों के कारण वीडियो डिलीट हो गया था। आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग वाले हैं भैया, लेकिन वो किस कारण से रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिए, हमें नहीं दिए, हमें कुछ पता नहीं चला। मैं पहले ब्लॉग में बताई हूँ, आप लोग देख लीजिए कि मेरे सास ससुर नहीं हैं और हम लोग बहुत बिजी थे, हमें कुछ पता नहीं चला। और इसीलिए आप लोग इससे ज़रूर सीखने को आप लोग को भी मिलेगा, जो कैमरामैन के साथ अपने लोगों को जो कि आपके विश्वसनीय हों उनको ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये हम लोगों को बहुत अफसोस है कि मुझे मरवा के दिन का वीडियो नहीं मिला। वो तो मेरी छोटी बहन का मेहरबानी है कि वो बना ली थी वीडियो अपने मोबाइल में, जिसके कारण मुझे ये सारे वीडियो मरवा के दिन का अवेलेबल हुआ, नहीं तो हम लोग बहुत दुखी थे। जो पता नहीं किस रीजन से, आखिर में कुछ उनके साथ हुआ था, किसने किया, क्या किया, मैं वो उस हद तक नहीं जाऊँगी, लेकिन वीडियो डिलीट मेरा हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, अब तो जो होना था हो गया। तो देखिए अभी मरवा हो रहा है और हम लोगों का मरवा जिस समय होता है तो उसमें क्या ज़रूरत होती है, वो तो गांव घर में सब लोग रहते हैं बता ही देते हैं। और आप देख सकते हैं मैं बीच में बैठी हुई हूँ, हरे रंग की साड़ी पहनी हुई हूँ और फर्स्ट ब्लॉग में मैं बताई हूँ, आप लोग देखिएगा कि हम लोग अपना कपड़ा जैसे जैसे विधि के अनुसार तैयार किए थे। तो मरवा है तो हरा कपड़ा तैयार किए थे, हरी रंग की साड़ी मैं पहनी हूँ और इधर मरवा की तैयारी हो रही है और इधर मेरी मम्मी, मेरी नानी सास, मामी सास सब लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं। तो सब लोग, पूरे गांव के लोग आए हुए हैं, मतलब सब लोग आ जाते थे। हम लोग थोड़ा तैयार होने में बड़ी लेट कर दे, लेकिन सब लोग गाँव से एकदम टाइमली आ जाते थे। और बिथ वाइज आप सब लोग अवेलेबल हैं यहाँ, और अभी हंसी मजाक चल रहा है क्योंकि मरवा के बिथ में आपको पता है जो जैसे हंसी मजाक में होते हैं, समधन समधी जैसे भी लोग होते हैं अपना, सब एक दूसरे का मतलब पिठार का या हल्दी का जो भी हो सबके पीठ पे देते हैं, तो वही चल रहा है, सबके गाल पे लगाते हैं, तो वही सब हंसी मजाक चल रहा है। और इस वीडियो में चूँकि मोबाइल से बनाया हुआ था तो मैं आवाज़ रहने दी हूँ, लेकिन उस और सब में नहीं रहने दी हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है गाने के कारण। और ये चरखा कटाई स्टार्ट हो गया है। चरखा कटाई में 5 लेडीज़ें बैठी हैं, जिसमें दोनों बहन मेरी और 2 जेठानी मेरी बैठी हुई हैं, 3 जेठानी मेरी बैठी हुई हैं। और ये चरखा 5 अवेलेबल मेरे गांव से हो गया था। आप लोग भी गांव में अवेलेबल हो जाता है, जो लोग जनेऊ अभी भी बनाते हैं उनके यहाँ आप लोगों को चरखा अवेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं हो तो एक भी चरखा पे बारी बारी से 5 लेडीज़ें विध कर लेंगी। देख रहे हैं आप चरखा कटाई, ये दीदी को आता था, ये सबसे बड़ी वाली जेठानी है मेरी, इनको आता था तो यही सबको सिखा रही थी। तो सब पे पहले मेरा बेटा पिठाड़ का दिया था थप्पा और सब लोग उनका ही हाथ पकड़े थे क्योंकि किसी को नहीं आ रहा था। तो चरखा कटाई हो रहा है, उससे सूत कट रहा है और जितनी विध करी होती हैं सबको साड़ी देना पड़ता है, इसलिए साड़ी भी आप लोग पहले से अच्छी मात्रा में खरीद के तैयार कर लीजिएगा। मैं तो यहीं से सब कुछ तैयारियां करके ले गई थी साड़ियों की, और मेरे मम्मी पापा बहुत साथ दिए थे। धोती जितने भी कलर हुए थे तो करीब मुझे लगता है 125-150
हुए थे सारा मेरे पापा मम्मी रंगे थे धोतियों को। और ये अब माइट मंगल के लिए सब लोग निकल रहे हैं। क्या भैया कहाँ रहते हैं आप? अब माइट मंगल होगा, सब धोती से पांचों तीनों जेठानी मेरी और दोनों बहन माइट मंगल के लिए बरुआ। बरुआ आप लोगों को बता दूं, जो लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बाहर के भी होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, बरुआ यानी कि बच्चा जिसका कि उपनयन संस्कार हो रहा है उसको बोला जाता है। तो वो मैं आंचल से ढकी हुई हूँ और माइट मंगल के लिए ले जा रही हूँ। माइट मंगल का विध होगा तो पहले मड़वा हुआ, उसके बाद चरखा कटाई हुआ और अब माइट मंगल होगा। ये है कैमरा वाले भैया, अब इन्होंने क्यों मेहरबानी की डिलीट करने की पता नहीं। आप देख सकते हैं बाबू का कपड़ा भी हरे कलर का है और मैं सामने चेंज कर ली थी। अब माइट मंगल के लिए गांव तो है नहीं जो नदी पर ले जाए। माइट मंगल गांव में नदी के किनारे होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मिट्टी मंगवा लिए थे। यहीं पे पांच थाली नई रहती है और वो पांचों थाली नई मेरी मम्मी लेकर के आई थी। कहीं ना कह रही हूँ मैं, मुझे मायके से बहुत सपोर्ट मिला। और ये बरुआ पांच मुट्ठी अपने हाथ से हरेक विध करने वाले को, हरेक विधकड़ी को थाली में रख रख के देगा। तो इसको विशेष लगाव अपने मौसी माँ से है, छोटी मौसी से। तो वो वीडियो कह रही है देखो बनाओ मेरे साथ और डालते जाओ। और मैं वो जम मिट्टी जम गई थी तो मैं उसको उठा उठा के दे रही थी। और अब माइट मंगल हो गया है तो अब ये सारी लोग जाएंगे और देवता रूम में, भगवान के रूम में। गांव पे रहते तो हम लोग गोसाई रूम में जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे जाएंगे और रखेंगे देवता के पास। और अब हम लोग रूम में जा रहे हैं, देवता के पास रखेंगे। और देवता रूम में जाने के बाद ये मिट्टी उसके बाद मरवा पे रखा जाएगा और जो थाली है वो बिदकरी का हो जाएगा और इसमें का कशेली पैसा जो भी होगा वो बिदकरी का हो जाएगा और मिट्टी मरवा में चली जाएगी। और उसके बाद मरवा को आप जितना निपिए, बिदकरी से निपवाइए, उतना कहते हैं मरवा ठंडा होता है। तो आज इस ब्लॉग में आपने देखा माइट मंगल, मरवा और चरखा कटाई। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं उपनयन का वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।